शौक के करता हूं कि यहां पे पूछ रहा है कि जो फिक्स वजन आपने इंक्रीज किया है वो इसका वैल्यू फिक्स नहीं रख सकता, यानी कि 0.5 हो जाएगा कैसे? अब फिक्स करो, अब देखो उसकी जो वैल्यू वो ऑटोमेटिक होगी 0.33 होगी, अब ये 0.25 होगी और 0.33 और 0.25, यानी कि इसकी जो ऑटोमेटिक वैल्यू होती है वो यहाँ पे इनपुट होता है। और जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे देखो पेज ऑटोमेटिक थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी कि किसी भी पेज के अंदर मार्जिन को सेट करना, किसी भी पेज के मार्जिन को सेट। अब आपको बोला जाता है कि पेज का ओरिएंटेशन चेंज करो, यहाँ पे आता ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? पहला पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वो लैंडस्केप होता है, तो दो शब्द याद रखें। जैसे ये आपका पेज चिपका हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटे वाले, अब ये आपका दिखाई दे रही वर्टिकल कर, यानी कि पोर्ट्रेट के अंदर, और ये जैसे ही ऐसे किया जाएगा ये क्या हो जाएगा लैंडस्केप। जैसे ये बड़ा वाला पोर्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला पोर्ट्रेट किस साइज के अंदर है? लैंडस्केप। और ये छोटे वाले पेज किस साइज के अंदर है? पोर्ट्रेट, यानी कि वो और अंडर आपके पास आ गया। यानी कि आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक हुआ दो प्रकार का आपके यहाँ दिखेगा, फिलहाल आपने कौन सा कर रखा है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप जैसे करो जैसे देना पेज ऑटोमेटिक चेंज हो गया, पेज चेंज हो गया। अब आपको बोला गया वापस पोर्ट्रेट को ध्यान में जाओ और पोर्ट्रेट ये सब, यानी कि एक तो आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा और दूसरा आपका लैंडस्केप। ज़्यादातर यूज किया जाने वाला पेज होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड के अंदर पेज का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट में कौन सा होता है, डिफॉल्ट वैल्यू कौन सा होता है, यानी डिफॉल्ट में लेकिन आपको लैंडस्केप सिलेक्ट करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है कि लैंडस्केप है जैसे यूगल लैंडस्केप। अब अगला आता है आपका साइज। अब साइज आप सबको पता है पेपर की साइज कौन सी, जैसे साइज के जब यहाँ पे साइज बहुत साइज दे रहे हैं इनमें से जो भी बड़ा हो जाएगा आप जो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे ए थ्री ऐसा हो जाएगा, और मेरे को दूसरा चाहिए जो सबसे ज़्यादा यूज होता है A4, वो अपर पेज यहाँ से A4 पेज कैसे होते जो है जिप्रो दिखाई दे रहे हैं, ये सब A4 के अंदर आते हैं, ये सब किस में आते हैं A4 के, सबको पता है। अब आप देखा एक पेज में दो दो भाग होते हैं, इधर छोटा है बीच में कोई जगह हो और इधर भाग हो, दो भाग हो, दो भाग कैसे यहाँ पर किस है आपके पास बहुत सारे पेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और आपको बोला गया इसके दो भाग करेंगे इधर भी और पेज जो एक दो कैसे जैसे मैं थ्री पे क्लिक करता हूं तो तीन लाइन हो गया क्या सा सकते, यानी तीन कॉलम अलग अलग कर। अब आपको बोला गया कि मेरे को इधर वाला कॉलम बड़ा चाहिए बाकी वाला थोड़ा सी रहे चाहिए, सिर्फ एक बार कॉलम चाहिए बाकी वाले शब्द चाहिए कॉलम भी चाहिए, तब आपको क्या करना लाइन नंबर पे सॉरी वापस कॉलम पे जाओ और यहाँ पे जाना लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर देना चाहिए बाकी सब लाइन चाहिए, जैसे क्लिक करो। अब आपको बोला गया कि देखो लेफ्ट नहीं राइट में चाहिए, ये कर सकते कैसे कॉलम पे जाओ और यहाँ से राइट कर, जैसे मैं राइट कर रहा यहाँ से ये राइट में ऐसा हो जाएगा और लेफ्ट में आपकी पूरी की पूरी लाइन आपकी पढ़ने वाला वो ऐसे ऐसे करता है, यानी सिंपल तरीके से इस प्रकार की इसका यूज कर सकते जैसे कि आपके सामने। अब आपको बोला गया कि देखो वापस जैसे पहले था ऐसा का ऐसा वापस कर, क्या करें वापस कॉलम में जाओ और यार वन पे क्लिक, जैसे वन पे क्लिक करें आप देखें जैसे पहले था ऐसा वापस हो, लेकिन आपने से किसी ने बोल दिया कि सर मेरे को तीन से ज़्यादा चाहिए तो क्या कर सकते कर सकते जब जब तक कर सकते, किसी ने 12 तक होते किसी ने 16 तक होते किसी ने 8 तक होते किसी ने 9 तक होते, सबके अलग अलग वर्जन के अनुसार होता है। तब मेरे को बोला कि मेरे को 5 से ज़्यादा लाइन चाहिए वापस सीधे से जाओ, या मैं नीचे लिखा मोर पर, मोर का मतलब होता है अधिक, मोर का मतलब होता है पता ही नहीं है। आप
पता चले कि ग्राम का कल्चर कैसा है ना, पूरा शहर का तो सबको